नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत जहांगीरपुर बैसी में कोशी नदी विकराल रूप लगातार जारी है। बीते कई दिनों से कोशी नदी में भीषण कटाव हो रहा है। कटाव में अब तक करीब 100 घर कोशी नदी में समा चुके हैं। बड़े बड़े आलीशान मकान धाराशाही हो रहे हैं। कोशी नदी में रोजाना घर कट जार सामने से लोग दहशत में है। लगातार जहांगीरपुर बैसी में हो रही भीषण कटाव का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा कटाव स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोशी नदी में हो रहे भीषण कटाव का जायजा लिया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को कटाव की विभीषिका झेलना पड़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कटाव निरोधी काम में तेजी लाने के लिए वह मुख्यमंत्री से बात करेंगी। आइए आपको हम सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा। नहीं, मुझे सूचना मिली कि बहुत ही घर कट रहे हैं बाहर से कोसी के, और ये आप जान रहे हैं कि नवगछिया प्रखंड के जहांगीरपुर वैशी में हम आए हैं, और अभी लोगों ने बताया कि 100 घर से पक्के घर से अधिक इसमें गंगा में समा चुके हैं। और सरकार की तरफ से जो कटाव को बचाने का काम होना चाहिए वो बिल्कुल नगण्य है और अभी शुरू हुआ है। जो बालू भर के दे रहे हैं उससे कोई बचना नहीं था। निश्चित तौर पर बहुत नुकसान हुआ है गाँव वासियों को। सरकार निश्चित तौर पर इस पर ध्यान नहीं दी, और मैं इसलिए देख के आया हूँ, बात सुन के जा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, और इनको जो विस्थापित हैं उनको बसाने का काम करिए। जिनकी क्षतिपूर्ति करनी होगी, जिनका मकान गया है, जो विस्थापित हैं उनको अभी तक बच्चे परिवार को कोई खाना पाना किसी का कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। और जो भी काम हुए हैं ये बिल्कुल खाना पूर्ति हुआ है, और ये लूट है, इसकी आवाज़ में बनूंगा, क्योंकि जनता की आवाज़ हम लोग सदन में भी बनते हैं और बाहर भी। इसलिए मैं देख के अभी लोग गाँव वाले सबसे सुना हूँ, बहुत ही हालत ख़राब है, बिल्कुल लूट मचा हुआ है, इसको आवाज़ बनेंगे, और हम माननीय मुख्यमंत्री से हम समझते हैं कि इस पर संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करेंगे। दो दर्जन से ज़्यादा घर गिर गए हैं, अभी तक कोई देखने वाला 2 दर्जन नहीं, 100 से ऊपर लोग बता रहे हैं पक्के का मकान। प्रशासन के स्तर से कोई मदद नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सब सुन रहे हैं कि कोई मदद नहीं मिला, बिल्कुल गलत है। प्रशासन का काम है जब भी मुसीबत में कोई आता है उसको मदद करना, सरकार को सूचना देना। इसीलिए मैं कहा कि मैं यहाँ जाने के बाद से मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा, पत्र भी लिखूंगा, जिलाधिकारी से भी पूछूंगा आखिर क्यों ऐसा कटाव विरोधी काम क्यों नहीं हुआ। जो आज घर गए तो इसका नुकसान कैसे भरपाई होगा, तो सरकार को इसको भरपाई करनी चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो लखनऊ तक नहीं आए, ये तो उनसे पूछिए यहाँ के विधायक और सांसद क्यों नहीं आए। मैं तो भागलपुर से विधायक हूँ, लेकिन भागलपुर से मतलब नहीं है। कोई भी विधायक कहीं से हो, जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता की आवाज़ बनते हैं। ये जहांगीरपुर वैसे भी मेरा भी क्षेत्र है, मेरा भी घर है, ऐसा कोई चुनाव जहाँ से ले वही क्षेत्र नहीं होता है, जनता सबको देखती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के मौके पर शुक्रवार को गंगा स्नान करने आज गेबीनाथ गंगा तट पर कांवरियों की अपार भीड़ दिन भर उमड़ी रही। अल सुबह से ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नेपाल सहित अन्य राज्यों से पहुंचे शिव भक्त कांवरियों ने पवित्र गंगा नदी में शुद्धता और पवित्रता की डुबकी लगाई, जिसके बाद पात्र में गंगा जल कर गंगा तट पर संकल्प पूजन करा। कंधे पर कांवड़ लिए बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर बोल बम का नारा लगाते हुए 105 किलोमीटर की पदयात्रा पर देवघर के लिए निकल पड़े। वहीं उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा और झारखंड के गिरिडीह से पहुंचे 10 शिव भक्त ने दंडी बम बनकर दंडवत होकर देवघर के लिए बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए प्रस्थान किया। छत्तीसगढ़ गंगा जल भरकर जाना है, देवघर जाना है। कितने लोग आए हैं? हम लोग 10-15 लोग आए हैं। कितने वर्षों से आते हैं? हो गया 6-7 साल हो गया। क्या बाबा सभी मन्नतें पूरी कर देती है? पूरा आस्था बाबा से पूरा। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहोली पंचायत के चांदनी चौक से भरोखर गांव जाने वाले रास्ते में पुल के समीप अवैध बालू ट्रैक्टर लेकर जा रहा ट्रैक्टर के खाई में गिरने से ट्रैक्टर चालक इंजन के नीचे दब गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान नयाचक मखना निवासी सिकंदर यादव के 25 वर्षीय पुत्र संजीत कुमार यादव के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया करीब 2 बजे के आसपास भरोखर से चांदनी चौक की तरफ ट्रैक्टर चालक अवैध बालू लेकर जा रहा था। इसी क्रम में ट्रैक्टर चालक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मौके पर अचानक ग्रामीणों ने जगदीशपुर पुलिस को सूचना दी। जगदीशपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जेसीबी से ट्रैक्टर को हटाकर शव को बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। जगदीशपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक अपने पीछे पत्नी नेहा देवी और 2 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार एवं 1 वर्षीय वंटुश कुमार छोड़ गया है। लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर अवैध बालू का धंधा जोरों पर है। अवैध बालू होने के कारण आनन फानन में ट्रैक्टर चालक जल्दीबाजी में जाना चाहते हैं।
इस आपाधापी में कभी ट्रैक्टर चालक तो कभी आम राहगीर मौत के शिकार हो जाते हैं। आज की यह तीसरी घटना रही जिसमें कि ट्रैक्टर चालक की जान जा चुकी है। इसके पूर्व भी कई जान अवैध बालू के चक्कर में जा चुकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उनका इलाज दिल्ली एम्स में किया जा रहा है। वहीं राजद कार्यकर्ता और समर्थकों के द्वारा बिहार के कई हिस्सों में उनकी सलामती के लिए हवन किया जा रहा है, तो कहीं मजार पर चादर चढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में आज युवा राजद के द्वारा घूरन पीर बाबा के मजार पर कार्यकर्ताओं के द्वारा चादर पोशी की गई और लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने को लेकर बाबा से दुआ मांगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाबा उनकी दुआ जरूर सुनेंगे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द स्वस्थ होकर बिहार लौटेंगे। आज हम लोग यहाँ पर आए थे युवा राजद के तरफ से, यह घुरन सिंह साहब पीर बाबा के स्थान पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का अचानक तबीयत बिगड़ गया था, जो सुधार हो रहा है। आज चादर चढ़ाने के लिए आए थे, दुआ मांगे, चादर चढ़ाए और उनके जल्द से जल्द सेहत ठीक हो जाए, यही दुआ मांगे, यही कामना की। बीते 6 जुलाई को बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में तैनात टीटीई दिनेश कुमार सिंह को जीआरपी दरोगा का टिकट चेक करना भारी पड़ गया था। टिकट मांगने के बाद गुस्साए दरोगा व कई पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग टीटी दिनेश कुमार सिंह की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद टीटी का रोता बिलखता हुआ वीडियो मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया था। वहीं अब यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, जहां इस घटना की निंदा करते हुए इसके विरोध में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन भागलपुर के बैनर तले भागलपुर जंक्शन पर भारी संख्या में रेल कर्मी व टीटीई ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं रेलवे अधिकारियों को जांच हेतु पत्र लिखते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। जगदीशपुर प्रखंड के बलुआचक स्थित ग्रामीण हाट में बकरीद पर्व के मद्देनजर काफी भीड़ भाड़ देखी गई। सुबह से ही जानवर खरीदने वालों का तांता हाथ में लगा रहा, विशेष करके बकरे ज्यादा बिके। कई लोग बकरे को अच्छे से खिला पिला कर भी लाए थे। एक एक बकरा 10,000 से लेकर 50,000 तक बिका है। हाट में गाय भैंस भी अत्यधिक संख्या में लोग लेकर आते जाते दिखे। बकरीद पर्व के अवसर पर इस हाट में अच्छे बकरे की कीमत लोग मुंह मांगी भी देने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। स्थिति यह थी कि बकरे मिल नहीं रहे थे और अच्छे बकरे की डिमांड ज्यादा संख्या में दिखी। आपको बताते चले कि बलुआचक स्थित मवेशी हाट में बकरीद या अन्य अवसर पर मवेशी क्रय विक्रय के लिए लाए जाते हैं और सुदूर गांव देहात से लेकर शहर के लोग यहां आकर जानवर खरीदते हैं। साधारण दिनों में भी शुक्रवार व सोमवार को लोग यहां खरीदारी करते हैं, लेकिन बकरीद जैसे पर्व के अवसर पर कुर्बानी के लिए जानवर अधिक संख्या में क्रय विक्रय के लिए यहां लाए जाते हैं। बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत 73वां वन महोत्सव का आयोजन जयप्रकाश उद्यान में किया गया। डीआईजी विवेकानंद के द्वारा वृक्षारोपण कर इसका शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान जयप्रकाश उद्यान में कई तरह के घने व फलदार वृक्ष लगाए गए। नगर वन योजना के तहत चल रहे इस कार्यक्रम में आरोग्य वाटिका, नमामि गंगे जलज, वर्ल्ड नेस्ट स्टॉल भी लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक करते हुए वृक्ष लगाने एवं पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था सभी लोगों से करने की बात कही गई। एक महीने तक चलने वाला विषहरी पूजा 17 जुलाई से शुरू हो जाएगी। यह पूजा कलश स्थापना के साथ शुरू होगी। नाथनगर के चंपानगर स्थित विषहरी स्थान के मुख्य मंदिर में कर्क की संक्रांति पर मंदिर में कलश की स्थापना होगी। मिली जानकारी के मुताबिक 16 जुलाई को मां मनसा देवी के गंग धूप दिया जाएगा। वर्ष में यही एकमात्र दिन होता है जब भगवती विषहरी का पिंडी कलश रहित होता है। इस दिन पिंडी पर केवल बैंत रखकर देवी को गंग धूप व नैवेद्य अर्पित किया जाता है। विषहरी स्थान के पंडा संतोष झा कलश की पूजा लिए कुम्हार के घर जाएंगे और देवी के पांचों स्वरूप की पूजा करेंगे। वहां से आने के बाद पिंटी पर भगवती मनसा के पांचों स्वरूप के साथ देवी नेतुला धोबिन की भी पूजा की जाएगी। 17 जुलाई को कर्क संक्रांति में देवी की विशेष पूजा व हवन इत्यादि होगा। 16-17 तारीख से इस बार कर्क की संक्रांति के साथ पूजा शुरू होगी मां मनसा की। उस दिन बारी घर की स्थापना होगी, लेकिन उसके एक दिन पूर्व 16 जुलाई को वो सारा कलश देवी का पिंड से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उतार दिया जाता है साफ सफाई के लिए। और उस दिन देवी की पिंडी पर सिर्फ बेत रख करके पूजा होती है। तो सबसे पहले पंडा जी जो हैं वो जाते हैं कुमार के घर, बारी घर की पूजा के लिए। वहाँ पांच भागों में देवी पांचों की, पांचों मां मनसा विषहरी की पूजा होती है। और वहाँ से जब पंडा वापस आते हैं पंडा जी, तो वहाँ से ही दीपक जला हुआ आता है कुमार के घर से, और वो यहाँ पर आ करके फिर पिंडी में 6 सिंगारी उस दिन होती है। और 6 भाग में नवेद अर्पित होता है, विधि विधान से पूजा पाठ होती है। तो 6 भाग का मतलब हुआ कि 6 सिंगारी का मतलब 5 बहन पांचों विषहरी के नाम से और एक नेतला धोबिन के नाम से। तो भगवती की पूजा के साथ नेतला धोबिन की पूजा एक बहुत बड़ा महत्व रखता है इस मंदिर के लिए।
सुल्तानगंज जमालपुर रेलखंड के गनगनिया फतेहपुर गांव के समीप डाउन रेलवे ट्रैक पर एक 50 वर्षीय बुजुर्ग का क्षत विक्षत अवस्था में शव सुल्तानगंज थाना पुलिस ने बरामद किया है। कयास लगाया जा रहा है कि उक्त बुजुर्ग की किसी ट्रेन से गिरकर मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना रेल पुलिस व स्थानीय थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर सुल्तानगंज थाना पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद शव की पहचान में जुट गई है। मानस महात्म्य के लेखक साहित्यकार और क्षेत्रीय इतिहास के जानकार आलोक कुमार ने दावा किया कि चंपानगर के तांती बाजार के सेमापुर घाट के शिव मंदिर में स्थापित मूर्ति माता पार्वती की नहीं बल्कि भगवान सूर्य की है। लोग वर्षों से माता पार्वती के रूप में उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। आलोक कुमार ने बताया है कि साल भर पहले पूजा के दौरान उसका ध्यान मूर्ति पर गया था। इस पर उन्होंने शोध शुरू किया। उन्होंने 6 माह पहले घटना पटना संग्रहालय से संपर्क किया और वहां मूर्ति की तस्वीर भेजी। वहीं क्षेत्रीय पुरातत्व एवं संस्कृति के जानकार पटना संग्रहालय के अनिल कुमार ने भी यह पुष्टि की है कि यह मूर्ति पालकालीन है और भगवान सूर्य की है। आलोक कुमार ने बताया कि पत्थर में बने मूर्ति के दोनों हाथों में कमल है, सारथी अरुण है, नीचे 7 घोड़े हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अस्पष्ट नहीं है। मूर्ति के कान में कुंडल, गले में कर्ण, हाथों में कड़े हैं। काले पत्थर की मूर्ति एक ही पत्थर की बनी है, जिसकी लंबाई लगभग 16 इंच, चौड़ाई 9 इंच एवं मोटाई 3 इंच है। आलोक ने कहा कि चंपा अंगेश कर्ण की जननी एवं राजधानी रही है, इसलिए कर्ण के आराध्य की मूर्ति क्षेत्र में मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगामी बकरीद पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन व नगर निगम ने कपर कस ली है। पूरे शहर में साफ सफाई को लेकर नगर निगम प्रशासन लगातार जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन के आदेश अनुसार नाथनगर के चंपानाला पुल के पास नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव की निगरानी में डंपिंग स्थल को चिन्हित कर गड्ढा खुदवाया गया। पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने लोगों से अपील की है कि जिस प्रकार हम लोग सभी पर्व आपसी भाई और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते आ रहे हैं, उसी प्रकार आगामी त्योहार बकरीद को भी मनाएंगे। उन्होंने कहा कि बकरीद के दिन बचे हुए अवशेष को गड्ढे में डाल दें, जिससे कूड़ा कचरा इधर उधर ना रहे और शहर स्वच्छ दिखे। तो हर साल की भांति जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब के बैठक में और एसडीओ साहब के बैठक में जो निर्णय लिया गया था और नगर आयुक्त से जो हम सबने मांग किया था, नगर आयुक्त से मिले थे भी, डीएम साहब के मीटिंग में भी पूजा समिति ने मांग किया था कि नाथनगर में एक पूरे 1 से 12 वार्ड में 18 से 20 गड्ढा होता है। नगर आयुक्त ने भरपूर सहयोग कर रहे हैं, नगर निगम का सभी पर में सराहनीय काम रहा और ये नगर आयुक्त भी बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं और पूरे हम दोनों भाई सभी पर्व, दुर्गा पूजा हो, काली हो, ईद हो, बकरीद हो, सभी पर्व शांति सद्भाव से मनाते हैं और पूरे देश ही नहीं पूरे बिहार का नज़र, हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी का भी नज़र भागलपुर नाथनगर पे रहता है। नाथनगर अब हम दोनों भाई शांति सद्भाव के लिए भागलपुर जाना जाता है और सभी पर्व भाईचारा हम दोनों मिलके आपस में मनाते हैं। पूजा समिति अध्यक्ष एवं जिला शांति समिति सदस्य पप्पू यादव, हमारे तमाम टीम, पूजा समिति के सारे टीम लगे हुए हैं, नगर निगम के सारे टीम लगे हुए हैं, हमारे नगर आयुक्त लगे हुए हैं, हमारे सिटी मैनेजर लगे हुए हैं और उससे भी हर साल की भांति 22 में उससे भी अच्छा बकरीद हम सब मनाएंगे। नाथनगर के ललमटिया चौक स्थित नरसिंह भगवान मंदिर काठुरबाड़ी प्रांगण में जोनल स्तरीय निरंकारी सत्य समागम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली से अंग की धरती पर पधारे प्रवचनकर्ता केंद्रीय प्रचारक परम पूज्य महात्मा पंडित अब्दुल गफ्फार के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि इसमें परमात्मा से साक्षात्कार कराया जाता है, जो सर्वव्यापी सर्वमान्य, जो कण कण में व्याप्त और निराकार है, जिसे ब्रह्म ज्ञानी द्वारा जाना जाता है और जानने का मार्ग बताया जाता है। इसमें न कोई हिंदू, न मुसलमान, न सिख, ईसाई, सभी एक परमात्मा के संतान हैं। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया और एकांकी भजन और प्रवचन द्वारा उदाहरण देकर सद्भाव, आपस में प्रेम, भाईचारा स्थापित करने का संदेश दिया गया। मौके पर जिला संयोजक दिनेश मंडल, छाया बहन, शिव कुमार मलाकार सहित सैकड़ों की संख्या में निराकारी संत मौजूद थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सेहत में सुधार के लिए भागलपुर में राजद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बूढ़ानाथ मंदिर में राजद सुप्रीमो लालू यादव के स्वस्थ होने को लेकर हवन किया। भागलपुर के राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि लालू यादव के स्वस्थ होने को लेकर हम लोग मंदिरों में विशेष आरती और हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं। गरीबों के मसीहा देश को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा है और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हम लोगों को उम्मीद है जल्द लालू जी ठीक होकर अपने
घर को लौट आएंगे। हम लोग आज हवन कर रहे थे, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी जो आज वो स्वस्थ हैं और एम्स में भर्ती हैं, ईश्वर से कामना करते हैं जल्द से जल्द वह स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए और शोषितों दलितों वंचितों करोड़ों बेजुबानों का जो जुबान आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी हैं वह पुनः आकर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों का सेवा करे और उनके लिए आंदोलन करे ताकि उनको अपने हक हुकूक की जो हक हुकूक है उनका मिल सके। इसलिए हम लोग उनके स्वस्थ होने के लिए आज हवन कार्य कर रहे थे। हमारे पंडित जी लोग भी उस कार्य में हम लोग का साथ दे रहे थे। सभी लोग हैं हमारे और हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं राजद के सब साथ में थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की पीजी जूलॉजी विभाग में यूजीसी प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विशिष्ट पदाधिकारियों के साथ साथ बाहर से आए कई विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस सेमिनार का विषय रिसर्च मेथोडोलॉजी के विविध आयाम रखा गया है। यह सेमिनार पीजी जूलॉजी विभाग और भारत सरकार के एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर बिहार झारखंड के तत्वावधान में आयोजित किया गया। पीजी जूलॉजी विभाग के हेड व डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर राष्ट्रीय सेमिनार के कन्वेनर हैं, जबकि विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नवोदिता प्रियदर्शनी आयोजन सचिव हैं। कुलगीत से सेमिनार के उद्घाटन सत्र की शुरुआत की गई, वहीं स्वागत संबोधन विभागाध्यक्ष व सेमिनार के कन्वेनर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में ऑनलाइन मोड में भी वक्ता और प्रतिभागी जुड़े थे। मौके पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर के कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौर व TMBU की पूर्व कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, JP विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, TMBU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर KK सिंह, प्रोफेसर AK राय आदि की नोट स्पीच को लोगों ने काफी सराहा।